बच्चों सुप्रभात। आज अभी हम हिंदी व्याकरण में जो पढ़ रहे हैं भक्ति काल पद्य साहित्य का विकास के बारे में। हमने पिछले में पढ़ा कि वीर गाथा काल और भक्ति काव्य का पढ़ा। अब इसके बाद में बताया है कि भक्ति काल की काव्य धाराओं में कवियों ने ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया है। तो बताया है कि सगुण धारा और निर्गुण धारा, हमने पहले पढ़ा निर्गुण धारा, अब सगुण धारा को भी उप धाराओं में बांट दिया गया है। जैसे राम भक्ति शाखा यानी जो लोग राम की भक्ति को करते थे, यानी जिन कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचनाएं की और वे राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस प्रतिनिधि महाकाव्य की रचना की। इस शाखा ने अन्य कवि जैसे नाभादास हुए, अग्रदास जी हुए, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। अब इसमें बताया कि जिन कवियों ने राम को आदर्श माना और राम भक्ति के कवि कहलाए, फिर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, हम रामायण पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उनके ही रचयिता कौन हुए, रामचरित, उसे को हम रामचरितमानस कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या था महाकाव्य, रामचरितमानस। तुलसीदास जी का महाकाव्य था रामचरितमानस, जिसमें राम जी की पूरी लीलाओं का वर्णन है ना, उनके सारी महानतम कार्यों का वर्णन है। महा रामचरित मानस महाकाव्य क्या है, रामचरित माने राम के चरित का वर्णन किया गया है रामचरित मानस में। जो हम घर घर में रामायण बोलते हैं जिसको, और हमने टीवी पर भी देखी है पिछले उसमें लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा होगा, रामचरित मानस का पूरा वर्णन और सीरियल आते रहे। प्रतिनिधि काव्य का भी रचना की, और इस शाखा के प्रमुख कवि क्या कहलाए, कौन कौन से, नाभादास जी, अग्रदास जी, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। फिर कृष्ण भक्ति शाखा, दो शाखा बटी थी, कृष्ण भक्ति शाखा जिन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का और उनके जीवन पर आधारित रचनाओं का वर्णन किया वो कहलाए कृष्ण भक्ति शाखा के। इसमें क्या बताया, महाकवि सूरदास, सूरदास के पद हमने पढ़े हैं, इनकी जो रचना है वो है सूर सागर। किसकी, सूरदास जी की, सूर सागर, सूरदास जी की रचना है ना। फिर इसके प्रमुख थे सूरदास जी, और इस शाखा के अन्य कवि थे जैसे नंददास, कृष्णदास, कुम्भनदास कवि, परमानंद आदि, स्वामी चतुर्भुज दास भी थे। ये अष्ट छात्र कवि कहलाते थे, और इसके अतिरिक्त हरिवंश, मीरा और रसखान जी भी थे। कौन थे, रसखान जी भी इसी शाखा में आते थे, काहे में, कृष्ण भक्ति शाखा में, काहे में आते थे, कृष्ण भक्ति शाखा में। कौन, रसखान कवि भी, रसखान जी, इन्होंने भी बहुत सारे पदों की, बहुत सारी रचनाओं की कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताया। और मीरा जी भी प्रमुख थी, मीरा जी को जानते होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, पायो जी मैंने उसमें कृष्ण जी की, कृष्ण की मैं दीवानी। फिर अब हम देखेंगे आगे कि निर्गुण धारा में जिन कवियों ने निराकार रूप में किया, उनको निर्गुण धारा की कवि के रूप में माना जाता है, और वो भी धाराएं दो भागों में विभक्त थी, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। कौन कौन सी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमा श्रेय शाखा, ये दो शाखाएं थी जिनमें निर्गुण शाखा, निर्गुण भक्त धारा के लोग जुड़े हुए थे, कवि जुड़े हुए, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय।
फिर ज्ञान श्री शाखा में थे, ज्ञान को ही ईश्वर तक मार्ग में पहुंचाने वाले कवि और जिन्होंने काव्य साधना को ज्ञान श्री शाखा के कवि कहलाए, इसके प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास जी। कबीरदास जी को हम सब जानते हैं, उनका भी ग्रंथ था बीजक। इस शाखा के भी अन्य गुरु नानक आदि कवि रैदास जी, और इन्होंने दिखावे तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये एकेश्वरवाद पर बल दिया था इन्होंने कि एक ही ईश्वर को माना जाए और ज्ञान को ही माना जाए, जो ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रेमाश्रय, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्रेम तक पहुंच, वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग को खोलना चाहा, उन्हें प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत रखा गया। फिर ये इसमें जो प्रतिनिधि कवि थे होते हैं मालिक मोहम्मद जायसी, जिनका ग्रंथ है पद्मावत। हमने अभी पद्मावत की जो फिल्म आई थी वो पद्मावत काव्य से ही रिलेटेड थोड़ा सा है। फिर ये सूफी दर्शन से प्रभावित रहे और इनकी अन्य कवि इनमें हुए, जैसे मंजन, कुतुबन, शेख नबी, उस्मान आदि। सबों तरह के कवि साकार ब्रह्मांड के संबंध और कर्तव्य पालन आदर्श मर्यादा तथा शालीनता युग सत्कर्म में भटकाव से बाहर निकलने के लिए ज्ञान के प्रकाश को आवश्यक बताया। उनका मानना था कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है, ईश्वर का निवास है। फिर भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में बताया, क्या बताया, साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिक और सदाचार की प्रेरणा, लोक कल्याण के पथ पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, प्रकृति सापेक्ष वर्णन, प्रकृति का सापेक्ष वर्णन यानी एकदम सामने वाला, सामने प्रतीक होने वाला, इस प्रकार ज्ञान और प्रेम का अद्भुत समन्वय चित्रण पूर्णता को स्पष्ट करता है। और भक्ति काल का यही मूल उद्देश्य था कि परिस्थितियों के अनुकूल ईश्वर के स्वरूप को स्वीकारें और प्राणी मात्र के मंगल विधान की कामना करें, नैतिकता पर नैतिकता की विजय हो, जिससे जीवन का ध्येय माने। इष्ट स्वरूप प्रमुख नहीं होता बल्कि उसके संदेश मुख्य होते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में इस युग में जिस नीति काव्य की रचना हुई उसके सदाचार का मार्ग प्रशस्त किया गया और नीति काव्य के रचयिता के रूप में जैसे रहीम, गिरधर तथा वृंद नाम का उल्लेखनीय हुआ। और इसको भक्ति काल को क्या कहा गया, इसके कारण उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार और सामाजिक समरसता के कारण भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। स्वर्ण युग काल के इसका नाम दिया, स्वर्ण युग किसको दिया, भक्ति काल को। ये क्वेश्चन दो नंबर का आ सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम क्यों दिया, तो हम इसकी भक्ति काल की विशेषताएं बता कर लिख सकते हैं। और बच्चों अभी परीक्षा का समय आ रहा है, आप ध्यान लगा कर पढ़िए और सारे क्वेश्चन आंसर हल करें और एक ही क्वेश्चन आंसर को रटते रहें, पढ़ते रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। अभी व्याकरण जो हमने पढ़ाई उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक नंबर दो नंबर के बच्चों, तो आप सबको घर में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आगे भी हम व्याकरण के बारे में पढ़ते रहेंगे। जैसे भक्ति काल में क्या बताया था, साकार और निराकार ब्रह्मा की उपासना बताई, यानी साकार में भी यानी प्रत्यक्ष रूप में जैसे हम मूर्ति पूजन करते हैं वो होगा साकार, है ना। साकार दर्शन करना यानी अंतर मन से हम ऐसा ध्यान करें कि हमारे सामने ईश्वर खड़े हुए। निराकार ब्रह्मा यानी निराकार यानी किसी भी रूप में नहीं, सिर्फ एक बिंदु के समान। फिर रहस्यवादी कविता का प्रारंभ किया यानी रहस्यमय कविताएं, जैसे हम देखते हैं हॉरर मूवी वगैरह, रहस्यमय मूवी वगैरह देखते हैं ना, उसी टाइप से रहस्यमय कविताओं का प्रारंभ किया था इन्होंने। भक्ति काल में ही आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा भी दी गई थी, यानी आध्यात्मिकता की ओर मानव बढ़े आगे और सदाचार की प्रेरणा भी ले, लोक कल्याण के पथ पर चले और